वहीं सिद्धार्थनगर में बाढ़ हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराया जाए। पुलिस के उच्च अधिकारियों को शीघ्र घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सिद्धार्थनगर बाढ़ हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ अधिकारियों को भी मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। और बाढ़ के पानी में दो युवक बह गए। नाला पार करते वक्त यह हादसा हुआ। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। अभी तक दोनों युवकों का शव नहीं मिला। भिंगा कोतवाली क्षेत्र के गंगापुर गोटवा की घटना है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं हो पाए हैं। दोनों के अभी शव नहीं मिले हैं। एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। काफी दर्दनाक ये हादसा। अभी तक दोनों युवकों का शव नहीं मिल पाया है। दुर्गेश शुक्ला मेरे साथ, मेरे सहयोगी दुर्गेश, अभी क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि जो दोनों युवक अपने घर को वापसी कर रहे थे तभी वो लोग एक गहरे नाले में डूब गए जिसकी धारा तेज बह रही थी। बराबर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की तमाम टीमें लगी हुई हैं उनकी तलाश करने में बराबर, लेकिन अभी तक उन दोनों का कोई का शव नहीं मिल पाया है। अभी अभी एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। जी लगातार एनडीआरएफ की टीमें जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, ग्रामीण भी तलाश कर रहे हैं लेकिन अभी तक दोनों युवकों का शव बरामद नहीं हुआ है। परिवार वालों का तो बड़ा बुरा हाल होगा इस वक्त दुर्गेश। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि दोनों युवकों की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, बहुत बुरा हाल है और पूरे गांव में भी सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि ये लोग अपनी बहन को लेकर जब वापस हो रहे थे तभी ये घटना घटी है। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।